आंध्र प्रदेश की यात्रा बहुत अच्छी रही मेरी, बहुत अच्छी रही है जी। इसको दोनों को लगा के रखना है, दोनों माइक है ना, गुड। तो सबको मैं देख पा रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। मेघा जी, अम्मी में मम्मी देख पा रहा हूँ मैं आपको। हाँ टाइम खराब की मेरा, सॉरी सर, कोई बात नहीं। उसको फिर से देखेंगे बेटा, उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। चेहरा ठीक दिख रहा है, कैमरा ऑन कर दिया। यस सर, कर दिया। हाँ, और सबका चेहरा पहले देख लेता हूँ बेटा। जो जो लोग ऑन नहीं किए हैं वो लोग भी ऑन कर दीजिए, अपना अपना फेस दिखा दीजिए मुझे। मीनाक्षी नहीं दिख रहे, जस कौर नहीं दिख रहे, जागृति अजमेरी, अनाहत चक्र, अनाहत चक्र कमजोर है, ध्यान लगाइए उस पे, अनाहत चक्र पे काम कीजिए, है ना। आप अनाहत चक्र के लिए हरे रंग के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे के पास बैठकर ध्यान लगाना, अनाहत चक्र पे ही यम मंत्र का अभ्यास करना, ये करेंगे। जागृति सुन पा रहे हैं ना, जरूरी है, आने वाला समय नहीं तो इमोशनल टर्बुलेंस से भरा रहेगा। रश्मि, बाकी जितने भी विशेष चक्र, अगर मैं किसी को नहीं बता रहा हूं तो मान के चलो आज्ञा चक्र पे काम करें। मनीष सर, विशुद्धा, विशुद्धा पे काम करेंगे, विशुद्धा चक्र पे काम करेंगे, है ना। थ्रोट चक्र पे काम करेंगे, थ्रोट चक्र पे ध्यान लगाएंगे और उसमें शक्ति भरेंगे। भावना जी धन कहा, ठीक। आप करेंगे नीचे से दूसरे वाला चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र, है ना। मयूरी, आप भी स्वाधिष्ठान पर काम करेंगे। और मैं सभी को देख पा रहा हूँ, कमलेश कौर अच्छा लगा देख के बहुत दिनों बाद। बाकी रणवीर, इंद्रजीत आज्ञा चक्र पे, बाकी सब आज्ञा चक्र पे काम करना बेटा, है ना। सुजाता, हार्ट चक्र पे काम करोगे आप। शालिनी, सोलर प्लेक्सस, है ना, मणिपूरक चक्र। सुषमा, मैं आपको अच्छे से देख नहीं पा रहा हूं बेटा, पीछे से लाइट बहुत तेज आ रही है। हाँ, ठीक है ठीक है, आप भी आज्ञा चक्र पे, बाकी सभी आज्ञा चक्र पे काम करना। जयराम जी, आप भी आज्ञा पे ही काम करेंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए आज का ये जो हमारी चर्चा है शुरू करते हैं बेटा जी। ओके, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, तो थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, है ना। तो आइए आप सभी मेरे साथ एक छोटा सा ध्यान करिए, बाकी फिर आपके जो भी सवाल हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। ओके जी, गहरी सांस खींचकर धीरे धीरे छोड़िए।
फिर से गहरी सांस। गहरी सांस, प्राणों पर ध्यान लगाकर सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पर लेकर आइए और मेरी इस प्रार्थना के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, हे महान प्रकृति, हे ब्रह्मांडीय चेतना, हे मेरे सभी गुरु, सभी पूर्वज, मेरे गार्डियन एंजल्स, ब्रह्मांड में विचरती पवित्र आत्माएं, मैं अपने जीवन में अपने आप को इस ज्ञान, इस विद्या को सीखने के लिए सतत प्रयास कर रहा हूं। हे परमात्मा, मुझ पर अपनी कृपा करें। मेरे हाथों पर ये जो ऊर्जा आपने दी है, जिस पर मैं सतत प्रयासरत हूं, जिस पर मैं रोज साधना कर रहा हूं, रोज विचार कर रहा हूं, रोज अपनी विद्या को साध रहा हूं, हे प्रभु, ये मेरे अपनों के और जगत के कल्याण के लिए पर्याप्त हो। हे परमात्मा, मुझ पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, मेरे लोगों पर आपकी कृपा बनी रहे। हे प्रभु, मैं जो भी हूं आपका ही दिया हुआ है। हमेशा मुझे अपनी कृपा के नीचे रखना, हमेशा मुझे अपने साथ रखना, मेरे द्वारा आज तक जो भी अच्छे काम हुए हैं उनका अभिमान कभी मुझ पर ना आए, और जो भी मुझसे गलतियां हुई है उसके लिए मुझे माफ करना। मेरी कोशिश हमेशा अच्छे के लिए है, ये आप जानते हैं, पर कभी कभी चीजें मेरे मन मुताबिक नहीं हो पाती तो मैं बस ये मान लेता हूं चीजें आपके मन मुताबिक हो रही है। कई बार मेरे जीवन में हताशा आती है, कई बार ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, कई बार ऐसा महसूस करता हूं मैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और तभी आपका प्रकाश, आपकी सहायता,
आपके द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान मेरे काम आता है और फिर से मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता हूं। धन्यवाद प्रभु आपकी कृपाओं के लिए, आपने जो भी दिया आज तक उस सब के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो आज की ये प्रार्थना हमारी पूरी हुई। ये एक बहुत भली प्रार्थना है, ऐसे ही प्रार्थना के भाव हमेशा होने चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये कोई लिखी हुई प्रार्थना नहीं है, बस मन से भाव आते गए, हाँ रहा हम बोलते गए। तो एक हीलर के जीवन में जो विधा हम सीख रहे हैं, हमारे अंदर हमेशा प्रार्थना के भाव ऐसे ही बने रहते हैं। तो कभी भी हम यूं ही बैठे हैं, कभी भी हम कोई हीलिंग करने वाले हैं, कोई भी हम किसी की सहायता करने वाले हैं, या कहीं भी हम यूं ही अगर हम सिर्फ बैठ गए हैं या हमारे पास वक्त है, तो हम इस तरह की प्रार्थनाओं को हमेशा दोहराते रहें, हमेशा ऐसी प्रार्थनाओं को करते रहें, जिससे हमारा बल, हमारा सामर्थ्य और हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा, है ना। तो आज कुछ नई बातों को हम समझना चाहेंगे। देखिए बेटा, जुलाई का मौसम आ गया है, मतलब कि एक नई ऋतु, नया मौसम ही आ गया है। गर्मी का मौसम जा चुका है और बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब जैसा कि हम देखते आए हैं कि बेशक साल की शुरुआत जनवरी से होती है, लेकिन हमारा मन ऐसा मानता है कि जब हम सोचे तो समझ में आता है कि जनवरी शुरू होता है, लेकिन बचपन से हम देखते आए हैं कि साल असल में हमारे लिए जुलाई से ही शुरू होता है। जब हम स्कूल में थे, कॉलेजेस में, तो हमारे लिए नया साल जुलाई से ही शुरू होता आया है हमेशा से। अभी भी हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे जैसे नए साल में आ रहे हैं, तो ये नया साल है, ये नया साल है, ये नई क्लास है, ये नई कक्षा है, नई विद्या है, ऐसा होता है। 7 जुलाई रविवार का दिन होने वाला है, पुष्य नक्षत्र होगा, है ना। तो बहुत सारी बातें मैंने YouTube में भी बताई हुई है, लेकिन आप लोगों को कुछ विशेष बातें मैं बताना चाहूँगा। पुष्य नक्षत्र में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग हीलिंग साइंस को सीख रहे हैं, आप लोग किसी विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, उस पर अभ्यास कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी सारी पढ़ाई है, जो भी चीज़ें हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, है ना। जो भी विद्या है उसको अपनी एक नई डायरी निकालिए। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पुष्य नक्षत्र है और 7-7 है, 0707, मतलब कि 7वें महीने का 7वां तारीख। बेसिकली ये रिलेशनशिप, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी जैसी चीज़ों पे कोई भी नया काम, आप सभी हीलर्स को मैं बता दूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई केस है जो फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे समय में उनकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। 07-7 तारीख से आप उनकी हीलिंग शुरू कर सकते हैं, या जुलाई के मौसम में उनकी हीलिंग सबसे अच्छी होगी। पुष्य नक्षत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने की होती है, जैसे कुछ नया चीज़ खरीदना, ये करना, वो करना होता है, लेकिन क्योंकि हम हीलिंग साइंस से हैं तो हम समझेंगे। एक नया डायरी लें, कौन कौन सी विद्या को हमने ग्रहण कर लिया, कौन कौन सी विद्या को हम ग्रहण करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम जानना चाहते हैं, उनको हम लिख के नोट डाउन करके रखेंगे। क्या क्या चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है, कितने समय में हमें कंप्लीट करना है, कितनी उनकी प्रैक्टिस करनी है, इस सब को हम एक पत्राचार तैयार करेंगे, उसके लिए एक लेख तैयार करेंगे, एक नोट्स तैयार करेंगे,
क्योंकि जैसे ही आप पुष्य नक्षत्र में वो चीज़ लिख देंगे, वो चीज़ें आप एक तरह से अनाउंस कर देंगे, एक तरह से बता देंगे इस शक्तियों को जो आपसे वो काम करवाएंगी, जो आपके द्वारा वो काम करने में आपका फ्यूल बनेंगी, आपका आपकी ऊर्जा बनेंगी, है ना। तो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऊर्जा की इस मौसम में। जो फीमेल्स होती हैं उनका मूड भी बदलने लगता है, मन अचानक से उचाट हो जाता है, ऐसा होगा कि अभी नहीं करते, रहने देते हैं, या कुछ समय बाद करेंगे, या किसी रीज़न से कुछ दिन प्रैक्टिस छूट जाए तो छोड़ ही देते हैं। अपने विगत कई सालों के अनुभव से बता रहा हूँ, जब मैंने लोगों को सिखाया तो जुलाई के मौसम में क्या क्या होता है, बारिश का मौसम आने से क्या क्या होता है, क्योंकि हार्मोन्स बदलते हैं। ओनली नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ये मेल्स के लिए भी है, जो मेल्स फेमिनाइन एनर्जी से भरे हुए हैं या फेमिनाइन एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें होंगी, है ना। तो ये कोई कमी नहीं है, मेल्स के साथ भी होता है, वो गर्मी के मौसम में होता है, हालांकि उस पर हमने चर्चा नहीं की थी, लेकिन ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अपनी कोई भी चीज़ अगर छूट जाए किसी भी रीज़न से, काम की वजह से, बच्चों की पढ़ाई की वजह से, अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, कोई भी विद्या, कोई भी आपका जो प्रैक्टिस है, जो हीलिंग प्रैक्टिस है, अगर छूट जाए तो जहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो वहाँ से फिर से शुरू कर लेना, छोड़ना ना मत, नहीं तो गिल्ट से भर जाओगे, गिल्ट की वजह से और फिर ओवर थिंक करोगे और फिर परेशान रहोगे और अपने आप को ऐसा फील करोगे कि मुझसे कुछ नहीं होता। ये आप सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने जीवन में, उन्हें ये मालूम है कि चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें हम सभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इस मौसम में ये चीज़ें होती है क्योंकि समय काल बदला है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। दूसरी बात, तो डायरी में नोट डाउन कर लेना, और हम जो हमारे साथ जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनको भी चीज़ को ध्यान रखना है कि लाइफ में क्या गोल्स हैं वो भी लिखेंगे, आप लोग भी लिखें। ये तो विद्या के बारे में हो गया। अब कोई गोल्स है कि मुझे कोई यूट्यूब चैनल चालू करना है, या मुझे कुछ इंस्टाग्राम में ये करना है, या मैंने प्रॉपर्टी के काम पर ये करना है, शेयर मार्केट पे ये करना है, या अपना खुद का हीलिंग क्लिनिक खोलना है, इतने लोगों को हील करना है, या कहीं जा कर के मुझे ये चीज़ों को करना है, कहीं से आकर के मुझे इन चीज़ों को करना है। तो जब ये सारी चीज़ें आप, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको जीवन में वो चीज़ करना चाहिए, तो उसको लिखो, क्योंकि जो अगर लिखोगे पुष्य नक्षत्र में और 7-7 का ये कॉम्बिनेशन है, जब आप इसमें लिखोगे तो ये अपने आप में एक तरह से अनाउंसमेंट है, ये होगा ही होगा। अगर आप उस दिशा में प्रयास करेंगे तो बहुत आपको ऊर्जा मिलेगी, मतलब आपको प्रेश, जो कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं ना कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो सामने से प्रेशर मिलता है, मतलब कि हमें विरोध मिलता है जो आगे से पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा जो पीछे से आगे की तरफ धकेल रही है, मतलब हमें सपोर्ट मिल रहा है ना। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो लिखते ही आप क्लियर हो जाओगे। तो 7 तारीख का समय है, तो अभी बहुत समय है हमारे पास, आज कल परसों में सोच लीजिए क्या लिखना है, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए क्या लिखना है ना। और अब ये बता रहा हूं आपको बहुत गहरी बात, एक ऐसी बात जरूर लिखना, कोई भी चीज जो आप इस यूनिवर्स से चाहते हैं, इस ब्रह्मांड से चाहते हैं, परमात्मा से चाहते हैं, कि एक अपनी इच्छा लिखना कि मुझे जीवन से ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो चीज क्यों चाहिए, कि वो आपको जो परमात्मा देंगे ही देंगे, मतलब कि देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्यों, यूनिवर्स देना ही चाहेंगे आपको, मस्ट बी गिव वाली बात हो जाएगी, क्यों मस्ट बी वाली जो बात होगी, वो देना ही चाहेंगे, देना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपने कारण ही इतना अच्छा बताया है कि आपको क्यों वो चीज़ चाहिए।
कि अगर आपका एक छोटा बच्चा आपसे कोई चीज़ मांगता है, तो अगर उसने बहुत अच्छा कारण बताया कि अगर वो आपसे सेलफोन मांगता है, स्मार्टफोन मांगता है, और आपको मालूम है कि अभी बहुत छोटा है, अभी नहीं देना चाहिए उसको, है ना, और वो बहुत अच्छा कारण बताता है कि इसमें मैं नेटफ्लिक्स डाउनलोड करूँगा, फिर आप तो और बोलोगे नेटफ्लिक्स, अरे बिल्कुल नहीं, OTT तो बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगी मैं इतने छोटे बच्चों को, एक तो स्मार्टफोन, उसमें नेटफ्लिक्स डाल के दूँ, बिल्कुल नहीं। फिर वो बताएगा कि उसमें लाइव ऑफ प्लैनेट बोल के एक सीरीज़ है जिसमें मैं पूरे जीवन जगत को जानना चाहता हूँ, जिसमें कैसे बिग बैंग हुआ, कैसे स्टार बने, कैसे सेल्स बने, कैसे कैसे हमारा जीवन बना, उसको मैं जानना चाहता हूँ, या कुछ भी नॉलेजेबल वो चीज़ एक अच्छा रीज़न आपको बताएगा, तो आपके अंदर आएगा कि हाँ अब तो इसको दिया जा सकता है, क्योंकि पावर आपके हाथ में, ऑब्जर्वेशन आपके हाथ में है कि वो आपको मालूम है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसका रीज़न बहुत अच्छा है। या फिर वो आपसे चॉकलेट मांगता है, वो बोलता है आपको कि मुझे एक डब्बा भर के चॉकलेट्स चाहिए, आप बोलेंगे क्यों, फिर वो बोलेगा कि नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को या मेरे मोहल्ले के बच्चों को इस रीज़न से मैं ये चॉकलेट सबको एक एक चॉकलेट बांटूँ और एक दो चॉकलेट मैं भी खाऊँ, तो आप पूरा डब्बा दे दोगे, है ना, तो आप पूरा डब्बा दे दोगे। तो ऐसा एक बढ़िया रीज़न, एक अच्छा कारण लिखना कि मैं एक महान हीलर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं सब लोगों को हील करना चाहता हूँ, जब भी कोई लोग तकलीफ़ में आए, जब भी उन्हें किसी तकलीफ हो, तो आपके आदेश से, आपकी दी हुई क्षमता से मैं लोगों को हील कर सकूँ, ये आपका एक रीज़न हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। क्यों 10 करोड़ रुपए क्यों चाहिए तुझे? तो 10 करोड़ रुपए इसलिए चाहिए क्योंकि आप एक घर बनाना चाहते हैं। देखो एकदम सुनने में ना सेल्फिश लग रहा है, सुनने में एकदम सेल्फिश साउंड कर रहा है ना, एकदम सेल्फिश साउंड कर रहा है कि 10 करोड़ रुपए आप मांग रहे हो खुद के घर बनाने के लिए, कि तुम 10 करोड़ रुपए मांग रहे हो खुद का घर बनाने के लिए, तो बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा है। तो आप उसको सही रीजन दोगे कि मैं 10 करोड़ रुपए का एक मुझे चाहिए ताकि मैं अपना एक घर बनाऊं, मेरे उस घर में मेरे मम्मी पापा अच्छे से रह सके, मेरी फैमिली बहुत अच्छे से रह सके, मैं उस पैसे से क्या सा अपने घर के आसपास पेड़ लगाना चाहता हूं, मैं उस पैसे से घर के आसपास एक गार्डन बनाना चाहता हूं जिसमें लोग बच्चे आके खेलें। तो 10 करोड़ रुपए मुझे सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं चाहिए, उस पैसों को मेरे मम्मी पापा अच्छे से रहेंगे, मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे, मेरी फैमिली अच्छे से रहेगी, सुख से रहेगी, मैं उस घर में कई लोगों को काम दूंगा, मैं खाना बनाने वाली को, बर्तन साफ़ करने वाले को, माली को जो वहाँ गार्डन में काम करेगा उसको एक अच्छी जॉब दूंगा, अच्छा काम दूंगा, मैं मोहल्ले में जितने भी जो खाली जगह है वहाँ गार्डन में वहाँ पौधे लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, बड़े बड़े पेड़ लगाऊंगा, जगह को साफ़ सुथरा रखूंगा, हाँ मैं पीने के पानी की व्यवस्था करूंगा, मैं वाटर हार्वेस्टिंग करवाऊंगा, जहाँ पर भी ऐसी जगह है जहाँ वाटर रिवर हार्वेस्टिंग की जा सकती, जहाँ कुएं हो सकते हैं, मैं वो खुदाऊंगा ताकि पानी स्टोर। ये रीजंस आप 10 करोड़ रुपए आप मांगा क्योंकि आपको घर बनाना है, आपने बोला मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए घर बनाने के लिए, लेकिन घर बना के आप क्या क्या दे रहे हो? तो ये रीज़न आप अगर आप यूनिवर्स को देंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे। मैं मतलब कि इतना अच्छा रीज़न दिया है बच्चे ने, इसको तो ये बिल्कुल मिलना चाहिए। तो एक सही रीज़न क्यों आपको वो चीज़ चाहिए, वो आज के दे वो 7 जुलाई को लिख दीजिए, ठीक है, और लिख के छोड़ना नहीं है, बीच बीच में पढ़ते रहना है। अपनी सबसे अच्छा टाइम होता पढ़ने का जब आपने अपनी हीलिंग प्रैक्टिस किया है, जब आपने ध्यान किया है, जब आपने साधना, जब आप एक बिल्कुल काम होकर के बैठे हो, शांत होकर बैठे हो, थकने के बाद पूरा ध्यान प्रैक्टिस हो गया, उसके आराम से जब लेट रहे हैं, पैर आगे करके बैठ रहे हैं, तो अपना डायरी निकालो और पढ़ो कि आपने क्या लिखा है, क्या अपने थ्रू ही आप यूनिवर्स को बताओगे कि आपको ये चाहिए। आप बोलते हैं कि मुझे ये वाली कार चाहिए, हाँ ये वाली चीज कार चाहिए, तो क्यों चाहिए? लाइक इस कार से मैं ये करूँ वो करूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, मुझे ग्रोथ वाली फीलिंग आएगी इस कार को, कहीं भी अगर ध्यान में चित्त में ये बात आ गई कि मेरे दोस्त लोग जल जाएंगे या मेरे मोहल्ले वाले लोगों को ये हो, कहीं पे नेगेटिव आया तो वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपके पास सही रीज़न होना चाहिए, एक बढ़िया रीज़न होना चाहिए, बढ़िया क्यों होना चाहिए, उस क्यों को आप बताइए।
क्या हुआ? हाँ करते करते, तो ये कुछ बातें थी जो हमने ये कर ली, और अब सबके क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है ताकि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद अपनी जगह में आके बैठा हूँ। हाँ सर, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है। हाँ हीमोग्लोबिन कम हो गया है, क्या करें? जब भी हीमोग्लोबिन कम हो, याद रखना हीमोग्लोबिन बोलने से ब्लड का है, तो वो हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र को दोनों को एक साथ हील करना। जो सिंबल देखो, मैं ये स्पेसिफिक किसी सिंबल से हील करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप खुद एक हीलर हो, तो सारे सिंबल्स को बनाइए अपने हाथों में और सारे सिंबल्स को बना करके अपने आप को हील करें। पर्टिकुलर किसी और का होता तो मैं बोलता टैरो से बना दो या ये बना दो, लेकिन क्योंकि आप खुद एक हीलर हो तो हमेशा आपके सारे सिंबल्स को एक्टिवेटेड रहना है, हमेशा एक्टिवेटेड रखना है। तो जब भी अपने लिए कभी खुद की हीलिंग करेंगे, सारे सिंबल बना के हील करना। सारे सिंबल बनाने का तरीका क्या होगा? हवा में सारे सिंबल्स को बनाइए अपने इशारों से, अगर जल्दी में हो तो, जल्दी में नहीं हो तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा या आज्ञा चक्र से रोशनी निकाल के रोशनी से इस तरह से तैयार करिए सिंबल्स। बेटा इमेजिन करना भी उतना ही फलीभूत है जितना बनाना, लेकिन जब आप उसको इस तरह से बनाते हैं ना सिंबल्स को, तो और ज़्यादा आप पक्के हो जाते हो। उसकी शक्ति वैसी ही है, लेकिन आपकी शक्ति बढ़ जाती है जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि चाहे आप होटल से रोटी लेकर के आओ या पड़ोसी से रोटी लेकर के आओ और खुद रोटी बना बेल करके बना करके दो, दोनों रोटी बराबर शक्तिशाली है, दोनों से पेट भरेगा, दोनों ही भोजन है, लेकिन क्योंकि इस रोटी को आपने बनाया है तो आपकी और रोटी के बीच में जो चीज़ें हुई है उससे आप शक्तिशाली हो गए हो, है ना? तो ये बस वैसा ही फर्क है। तो बीच बीच में कभी कभी अपने सारे सिंबल्स को बनाने की प्रैक्टिस करते रहना, अगर समय है तो सारे सिंबल्स को ड्रॉ करना। हीमोग्लोबिन कम हुआ है बेसिकली हार्ट चक्र का होता है, हार्ट चक्र अनाहत चक्र से ही है वो, लेकिन आज्ञा चक्र को हील करना है क्योंकि कमांड यहीं से जाएगा, ठीक है? स्किन ब्लड ये सब चीज़ों के लिए आज्ञा चक्र को हमेशा ही शामिल करना। हाँ गुरुजी, लामा फेरा में कितने लेवल होते हैं चार सिंबल के बाद और कितने शक्तिपात होते हैं? बारह सिंबल के बाद और कितने शक्तिपात होते हैं? इसमें ना बेटा देखो, तीन लेवल होते हैं लामा फेरा में, दो लेवल पर्याप्त है, तीसरा शक्तिपात कभी कभी ही किया जाता है जब एक मास्टर लामा की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, जब साधना की दिशा में आगे बढ़ रहा। दो ही मेजर है। तीसरा जब कोई साधना की स्तर पर आगे बढ़ रहा है तो साधना के लिए शक्तिपात लेता है, तो जो भी लामा फेरा के साधक हैं, जो भी हीलर हैं, वो दो को ही लेके चलना। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे का शक्तिपात भी आपको दिया जाएगा, उसके लिए बहुत सोच समझ करके किसी पर्टिकुलर मुहूर्त में ही उसकी शक्तिपात दी जाती है, क्योंकि आप साधना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि दशहरा हो गया, पुष्य नक्षत्र हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गया, वैसे वैसे समय में उसकी शक्तिपात होती है, तो दो को ही हम मेजर मान के चलते हैं, है ना? मयूरी कहते हैं सर मुझे लामा फेरा सीखना है। ज़रूर सीखिएगा बेटा, लेकिन पहले जो चीज़ों को सीखा है उसकी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट करना, उसकी सारा अभ्यास पूरा करने के बाद ही नया आप कुछ सीखेंगे। कुछ भी नया सीखने के लिए पुराने अभ्यास को पूरा करना।
सर मुझे आपसे ज़रूरी बात पूछनी है हेल्थ रिलेटेड। हाँ बेटा, तो आप अपना एक वॉइस मैसेज मुझे भेजिएगा, ठीक है? यहाँ भेजिएगा, वो लोग बताएंगे, फिर मैं आपके लिए उसके लिए कुछ बना करके भेजूँगा। अच्छा, वॉइस मैसेज किए थे? ज़रूर। सर ऑरा कैसे? सर मेरा ऑरा कैसे है, प्लीज़ रिप्लाई। नीतू बेटा, सच बताऊँ, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का ऑरा आज कमज़ोर है, कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने सबसे पहला लाइन वही बोला कि क्योंकि आप में से ज़्यादातर यहाँ अभी की क्लास में फीमेल्स हैं और बारिश का मौसम आ गया है, तो एक नया मौसम आ गया, इसलिए डायरेक्ट वो बात ना कहते हुए मैंने घुमा करके यही बात कहा है कि मौसम आ गया है, अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। सूर्य की कमी हो गई है, बादल ज़्यादा है ना? तो अच्छा सुनो, आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा है कि बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना है, बारिश में भीगने से तबीयत ख़राब हो जाती है, बैक्टीरिया हो जाते हैं, वायरल फीवर आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ ठीक है, इम्यून अगर कमज़ोर हो तो डेफिनेटली वो होता है, लेकिन बारिश में भीगने से परहेज ना करें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा भीगते रहें, लेकिन हर साल की बारिश में दो चार बार ज़रूर भीगे, है ना? अब ऐसा नहीं है कि कहीं से आ रहे हैं तो मजबूरी में भीगना पड़ रहा है, उसको हम भीगना नहीं मानते हैं, वो मजबूरी में भीगना था, अपनी चॉइस से घर से बाहर निकल के थोड़ा भीगे, क्योंकि बारिश की बूंदों से हमारी आभा क्लीन होती है ना? हमारा ऑरा क्लीन होता है, हमारा ऑरा शक्तिशाली होता है, और सच बता रहा हूँ, हमारा इम्यून पावर और ज़्यादा बढ़ता है। गीली मिट्टी में जब हम खाली पैर चलते हैं, है ना, तो जल तत्व और मृदा तत्व और जल तत्व आपस में जब मिले होते हैं, धरती इतना कुछ दे रही होती है, उसे सोख लो अपने पैरों के जरिए। मुझे प्राणों से भरी हुई है धरती उस समय जब आकाश की बारिश धरती पे गिरी हुई है, तभी तो नए बीज फूट रहे हैं, नए घास उग रहे हैं, नए पौधे निकल रहे हैं, कितना जीवन है वहाँ, तो उस जीवन को अपने पैरों के जरिए सोख लीजिए, है ना? अब एकदम बावले होके कहीं भी मत निकल जाना, जैसे मैं कर लेता हूँ, मैं बेवकूफ़ी करता हूँ, वो मेरा है, क्योंकि मेरी मेरी तैयारियाँ वैसी हुई है, मैं कहीं भी मिट्टी पहाड़ कैसे में भी चलने फिरने का मेरी मेरी मेरा अभ्यास बहुत लंबा हुआ है। लामा लोग वैसे ही चलते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रकृति में वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो हम लोग वैसे ही हैं, हम लोग जीवन को अलग तरीके से देखते हैं, तो हमारा अलग है, लेकिन सोच समझ के सही अच्छी रोशन जगह पे, जब सूरज की रोशनी हो, अच्छा से दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, अंधेरे में मत निकलना, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह सूरज रोशनी से निकलने से पहले मत निकलना, घूमता है ना? घूमता है, तो जैसे आप लोग प्राण ऊर्जा की तलाश में निकले हो, प्राण ऊर्जा को सोखने के लिए मिट्टी में निकले हो, तो बाकी जो जगत में बाकी जो जीव है ना, वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, है ना? आप लोग मॉडर्न हो गए हो, आप लोग छत के नीचे जा चुके हो, उनको पता है कि कैसे कब क्या मिलना है, तो वो लोग निकलते हैं सांप, तो देख समझ के गार्डन में किसी सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे साफ सुथरा सब दिख रहा है, वहाँ घुसना। कांटे बहुत होते हैं, पैरों में कांटे बहुत लगते हैं, मेरे खुद के पैर में भी तीन चार कांटे चुभे हुए हैं, जो आज रात को मेरे घर में जाने के बाद लाइट देख करके निकालेंगे हम खुद, तो ठीक है, तो कांटे अंदर चुभ के टूट जाते हैं, अंदर रह जाते हैं। तो जो लोग खेतों में गांव में नहीं रहे हैं, जो लोग पेड़ों में नहीं चढ़े हैं, आप लोगों को सबका चेहरा दिख रहा है, ज़्यादातर लोग वैसे ही हैं, शहरों में पले बड़े हैं, आप लोगों को नहीं पता है कि जितना वो सुखद लगता है, अगर जानकारी ना हो तो वो थोड़ा सा दुखद हो जाता है, छोटे मोटे कीड़े काट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्यून पावर को और ज़्यादा बढ़ाती है, आपके आभा मंडल को और शक्तिशाली करेगी। तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो जो बरसात के मौसम में जो डिप्रेशन एन्जाइटीज आती हैं वो नहीं आएगी, है ना? तो अपनी हीलिंग प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मेरे से अब कोई नहीं पूछना आज की मीटिंग में कि मेरा ओरा कैसा है, सब लोग डंप दिख रहे हो मुझे, है ना?
हाइड्रोसिल के लिए एंजल नंबर क्या है? हाइड्रोसिल के लिए एंजल नंबर क्या है बताता हूँ बेटा, ये तो अभी हाल फिलहाल में ही बताया है, हाइड्रोसिल के लिए ही मैंने बताया था। हाँ लिखो तो, हाइड्रोसिल के लिए 3 3 9 6 6 8, ठीक है, 3 3 9 6 6 8 हाइड्रोसिल। काले रंग के पेन से, बाकी आप लोगों को पता है लेड बॉडी पार्ट में करना होता है, बहुत रेयरली कोई ऐसा होता है लाखों में कोई इंसान जिसका हार्ट लेफ्ट में ना होकर के राइट में होता है, तो उसके लिए सारे नियम उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो जनरली लेफ्ट बॉडी पार्ट में ही लिखते हैं हम, क्योंकि हार्ट लेफ्ट पार्ट में होता है। मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और सर भी भारी लगता है हीमोग्लोबिन के कारण। हाँ बेटा, हीमोग्लोबिन में जब भी डिसबैलेंस होगा तो ये चीज़ होगी ही, अपने आप को थोड़ा प्रकृति के करीब लेकर के आए ज़रूर से, क्योंकि हम हीलर्स अगर कोई भी चीज़ को हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है तो हमारे लिए जो पंच महाभूत होते हैं, पांच तत्व होते हैं, अग्नि मतलब सूर्य, हवा, पानी और मिट्टी, ये हमको इनके करीब जाना होता है, इनसे ऊर्जा लेनी होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमें चाहिए। तो जहाँ खुली हवा है, जहाँ ऐसी जगह जहाँ हवा बढ़िया है, अभी इस मौसम सबसे अच्छी हवा चलती, छत में चढ़ो, छत में जाओ शाम के टाइम में, सुबह से मस्त हवा जब जब चल रही होती है, तो हाथ को फैला करके इस तरह से अपने पूरे शरीर से हवा को बहने दो। हल्के कपड़े पहन के जाना, भारी कपड़े पहन के मत जाना, है ना। बहुत लोगों को ना ऐसी एक आदत ख़राब हो गई है, जिनको कान दुखता है थोड़ा सा पानी पड़ जाने से, थोड़ा सा ठंडी हवा पड़ने से कान दुखता है, तो भले कान दुखे आकर के सेक लेना, आकर के ये कर लेना, लेकिन अपने आप को, अपने कानों को खुला रखो, ठंडी हवा में बारिश में अपने कानों को खुला रहने दो, क्योंकि कुछ दिन दर्द करेगा, कुछ समय दर्द करेगा, लेकिन कुछ समय बाद कान आपके शक्तिशाली हो जाएंगे, है ना। तो कानों को जैसे हम छोटे, आपने अपने हमारे छोटे बच्चों को ना अभी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बारिश हो गया, ठंड आ रहा है, चलो मफलर पहन दो, तबीयत ख़राब हो जाएगी, मफलर पहन दो, नहीं मत करो, सच बता रहा हूँ मत करो। यहाँ अभी मैं अभी आंध्र प्रदेश की यात्रा में घूम रहा था ना, तो ऐसे कुछ ऐसा स्लम एरियाज़ में भी, गरीबों के एरिया में भी देखा है मैंने कि बच्चे यूं ही पल रहे हैं, यूं ही घूम रहे हैं, उनका बहुत शक्तिशाली, क्यों रितु जी, है ना, बहुत शक्तिशाली, ऐसे ही नहा रहे हैं, ऐसे ही कूद रहे हैं, ऐसे ही पानी में कूद के नहा रहे हैं। हाँ घुटना लग गया, ऐ करके बैठ के थोड़ी देर रोया, घुटना लग गया, घुटने से खून भी निकल गया है, है ना, थोड़ी देर के बाद क्योंकि सारे दोस्त नहा रहे हैं, फिर कूद के नहा रहे हैं, वो घर नहीं गया घर बताने के लिए, वो फिर से नहाने के लिए। तो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, बेशक दे रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ा रहे हैं, उन्हें पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं, मतलब राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं, अर्थशास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, हम उन्हें बायोलॉजी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब सिखा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सीख जा रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जा रहे हैं। बाद में थोड़ा सा भी परेशानी लाइफ में आता है ना, तो फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें घिर जाती है और कमज़ोर हो जाता है। तो थोड़ा शक्तिशाली बनाइए, थोड़ा चीज़ों से टकराने दीजिए, एटमॉस्फेयर से टकराने दीजिए, हर मौसम के साथ टकराने दीजिए। हमारे गांव के बच्चे, हमारे आश्रमों के बच्चों को मौसम बदलने से तबीयत ख़राब नहीं होती, हमारे शहर के बच्चों को मौसम बदलने से तबीयत ख़राब होती है, उनको छोड़ो हमारी खुद की तबीयत ख़राब होती है। मौसम बदलने से पहले च्यवनप्राश घर में आ जाता है बहुत लोगों के, कि च्यवनप्राश खाओ तो तुम्हारा इम्यून अच्छा रहेगा, समझ में आ रहा है। मैं च्यवनप्राश खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इम्यून पावर को अच्छा बनाए रखें, है ना। तो उसके लिए प्रकृति के साथ, मौसम के साथ, मौसम का आनंद लेना ज़रूरी है, हर मौसम के साथ एंजॉय करना ज़रूरी है उनके साथ, क्योंकि ये मौसम बने ही ऐसे है ना। पता है अभी भी मैं गांव में देखता हूँ, खैर हम सब तो जिस एज ग्रुप से हैं,
हम गर्मी की छुट्टियों में गांव जाया करते थे, अपने अपने नानी के घर गए जाया करते थे, पूरे दिन में पूरे धूप में, पूरे गर्मी के मौसम, नौतपा की गर्मी, और हम बाहर में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, अपने कजिन्स के साथ खेल रहे हैं, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मम्मी पापा लोग घर में अंदर सोए हुए हैं और हम पूरे दिन खेल रहे हैं। नौतपा की धूप, समझ में आ रहा है? पूरे काले होकर के आए हैं, कलर ऐसे दिख रहा है कि टी शर्ट उतारने के बाद दिख रहा है यहाँ से अलग कलर है। नौतपा की धूप में कुछ हुआ क्या? उस समय कुछ नहीं हुआ ना, तो वैसे ही अभी भी कुछ नहीं होगा। प्रकृति आपको खराब करने के लिए नहीं है, हम प्रकृति को खराब करने के लिए है ना, और करें। और मैं चाहता हूँ कि इस साल आप लोग किसी की भी जब भी हीलिंग करें, जो भी पहली हीलिंग करेंगे बेटा, अगर इस साल अभी जो लोग आप लोग हीलिंग करेंगे किसी की भी, और जो भी फीस लेंगे, जो भी पहली फीस लेंगे, कोशिश करना कि एक पौधा, एक पेड़ कहीं उगा दें टी गार्ड के साथ। अपनी पहली फीस को ना प्रकृति माता को दे देना। मैं लिटरली इस साल, मैं पिछले साल 300 पेड़ उगाया था, जो जो भी रेवेन्यूइंग साइंस है, हमें रेवेन्यू होता है उसमें से, दान के फॉर्म में हमने 300 पेड़ और 300 टी गार्ड लगाया था। कहीं सोशल मीडिया में हल्ला नहीं किया, कहीं नहीं, करना चाहिए ताकि और लोग इंस्पायर हों उससे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया, क्योंकि इतना काम था कि इस पर भी वीडियो शूट करते रहूँगा क्या? वीडियो शूट करूँगा तो 300 पेड़ नहीं हो पाएंगे, तुम रहने दो, 300 पेड़ जल्दी से कंप्लीट करना है, नहीं तो बारिश चली जाएगी। बारिश की शुरुआत में ही कर दो तो बारिश के ख़त्म होते होते वो पेड़ जम जाता है। पिछले साल 300 पेड़ उगे थे टी गार्ड के साथ, सिर्फ पेड़ नहीं टी गार्ड के साथ, ताकि वो पेड़ जमा रहे। 300 पेड़ में से सच्ची बात यह है कि करीब 170 पेड़ तैयार हो चुके हैं, बाकी पेड़ किसी रीज़न से नहीं बच पाए, नहीं बचाया जा पाए। कुछ उन्होंने उखाड़ दिया, कुछ उन्होंने खेड़ दिया, कहीं गाय बैलों ने उस पर वो कर दिया, कुछ चोरी हो गए, कुछ लोग टी गार्ड चोरी कर करके बेच देते हैं जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, तो वैसा हो गया। तो 170 पेड़ तैयार हैं, हो सकता है कि 100 पेड़ बड़े हो जाएं। तो ये पिछले साल का था, तो पिछले साल 300 हुआ था, तो इस साल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 320, 340, 350 पेड़ होने चाहिए। तो धैर्यवानीलिंग साइंस से जो आप लोगों का जो आशीर्वाद है हमारे साथ, आप लोगों का जो सहयोग रहा है, उस चीज़ से ये पेड़ जाएगा। तो आप लोगों के द्वारा वो पेड़ लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप किसी से भी पैसे लोगे, एनर्जी एक्सचेंज लोगे, एक पेड़ ज़रूर लगा लेना, किसी गार्डन में जाके लगा लो, किसी सरकारी जगह पे जाके लगा दो, और टी गार्ड लगा के इसको सुरक्षित कर देना। वो पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा, मैं वादा करता हूँ, ये मेरा वचन है कि उस पेड़ में जितनी प्राण ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आप लोगों के अंदर भी उतनी ही प्राण ऊर्जा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये मैं अपने गुरुओं को साक्षी मान करके, अपने गुरुओं को याद करके ये वचन दे रहा हूँ कि उस पेड़ की ऊर्जा के साथ आप लोगों की भी ऊर्जा बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, है ना। और इस तरह की बातें जरली मैं नहीं करता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये बोलता परमात्मा की मर्जी का नाम लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने गुरुओं को याद करके खुद बोल रहा हूँ कि ये आप लोगों का ज़रूर बढ़ेगा, उससे मेरा बढ़ा है। रितु जी कहते हैं सर आपकी बातें करके हीलिंग फील होती है। यही आशीर्वाद आप सबको मिलना चाहिए परमात्मा के द्वारा, ये जो आपने लाइन लिखी कि आपकी बातें सुनकर, आपकी बातें से करके ही हीलिंग फील होती है, यही ऊर्जा मिलती है उन प्राण ऊर्जा से जो जिन पेड़ों से हमें मिलती है ऊर्जा, है ना। हाँ बिल्किस जी कहते हैं कि कैटरेक्ट मीन्स मोतियाबिंद पेशेंट को कैसे हील करते हैं। हाँ बेटा, मैं ना क्या बोलते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं मोतियाबिंद पे, साइकिक सर्जरी होता है जो कि ग्रैंड मास्टर के कोर्स में ही है, आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा साइकिक सर्जरी के जरिए निकालना। और अगर साइकिक सर्जरी नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ चौकुरे और सेहेकी, दो ही, चौकुरे और सेहेकी से अगर हम 90 दिनों तक उनकी आंखों को हील करें, आज्ञा चक्र को नहीं, सीधे आंखों को हील करेंगे चौकुरे और सेहेकी से, तो मोतियाबिंद उतर जाता है, धीरे 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 कैटरेक्ट गल जाता है और ख़त्म हो जाता है। साइकिक सर्जरी से थोड़ा जल्दी हो जाएगा,
चार बार की साइकिक सर्जरी करके अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी 90 दिनों में धीरे से उतर जाएगा, है ना। लेकिन इसमें ना पेशेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, मतलब उनको होना बहुत ज़रूरी है। साइकिक सर्जरी तभी साकार होगी जब पेशेंट अपने आप को सर्जरी के लिए समर्पित करेगा। और जनरली हमारी खुद के घर के जो लोग होते हैं वो समर्पित नहीं करते हैं, ये ऐसा अनुभव रहा है बहुत लोगों का। मैं खुद जब जीवन में बहुत आगे बढ़ गया, बहुत लोगों का जब मुझे भरोसा, लोगों का जब मुझ पर विश्वास आया, तब जाके मेरे घर वालों को लगा कि हाँ ये तो दुनिया को ठीक कर रहा है, दुनिया के लोगों की हेल्प कर रहा था, हमारी भी कर सकता है। तो मेरी मम्मी का पैर टूटा था आज से 2 साल पहले, जून में पैर टूट गया था, ऑपरेशन करवाए थे उनका, रॉड लगा था, वो आज तक ढंग से नहीं चल पा रही थी। तो अब जाके उन्होंने हार के पिछले कुछ महीने पहले मुझे कहा कि बेटा तू मुझे ठीक कर दे, सबको तू ठीक करता है, मैंने देखा है यूट्यूब में। तो अब जाके उनके पैर का रॉड भी उतर गया है और अब लकड़ी पकड़ के लंगड़ा के अब चलना शुरू कर दिए, है ना। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर के जब लोगों का जब हील करते हैं ना तो हमें समर्पण पूरा मिलता है, उनका समर्पण, उनका विश्वास, जैसा हम बोलते हैं, जैसा जैसा हम उनको टेक्निक्स बताते हैं, जैसे जैसे हम रिचुअल्स बताते हैं, वो सारा कुछ अच्छे से फॉलो करते हैं और निश्चिंतता में रहते हैं, सर्टेनिटी में रहते हैं वो कि हाँ ये तो ठीक हो गया, ये तो ठीक हो गया है, बस ये प्रोसेस ख़त्म होगा और हम ठीक हैं। तो वो जो सर्टिनिटी बाहर के लोगों से हमें मिल जाती है, लेकिन घर के लोगों ने क्या हमें बचपन से देखा हुआ होता है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें थोड़ी लेट आती है। तो बिल्कुल जी, इस चीज़ को आप देखेंगे, है ना। रवनी जी कहते मुझे बात करनी थी आपसे, सिंबल के सिक्वेंस पूछना था हीलिंग करने के लिए। सिंबल्स का सिक्वेंस, सिंबल्स का सीक्वेंस बेटा नहीं होता है, उसमें सारे सिंबल्स, अगर सिंबल्स का सीक्वेंस आपको जानना है, सिर्फ पहले लेवल पे सिंबल्स का सीक्वेंस होता है, उसके बाद सीक्वेंस नहीं होता। सिंबल्स का सीक्वेंस नहीं होता, पहले सिंबल, पहले लेवल पे चौकुरे, सहेकी और चौकुरे, चौकुरे बना के पहले शुद्ध किया, फिर चौकुरे बनाया, दूसरी बार चौकुरे को स्थिर किया और फिर लास्ट में सहेकी बनाया, है ना। मतलब कि चौकुरे चौकुरे और सहेकी, मैंने गलत बोल दिया था, चौकुरे सहेकी से, चौकुरे सहेकी और चौकुरे नहीं होता, चौकुरे चौकुरे और सहेकी होता है ना। कि चौकुरे से हमने पहले शुद्ध किया, फिर चौकुरे को ही स्थिर किया, फिर सहेकी से बैलेंस कर दिया, है ना। तो ये होता है, बैलेंस क्रिएट होता है। कि जनरली बहुत बार पहले हम लोग सैंडविच बनाना सिखाते थे कि चौकुरे सहेकी और फिर चौकुरे, पर उतना कारगर नहीं रहा। हमारे आप जैसे ही हमारे सारे हीलर्स ने अपने प्रयोगों में ये बताया कि चौकुरे से शुद्ध करने के बाद, चौकुरे को स्थिर करने के बाद जब सैंडविच सहेकी रखते हैं तो सबसे बेहतरीन वो होता है, सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट हो पाता है। तो आप ऐसा करेंगे तो होगा सिक्वेंस, बाकी सबको कैसे भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। बहुत रेयर कोई ऐसा सिंबल होगा जिसको अकेले रखते हैं, जैसे कि होंशा जेशुनेन, ये जो सिंबल है वो हमेशा अकेले ही रहता है, क्योंकि वो ब्रिज बनाने के काम करता है, दो लोगों के बीच में एक ब्रिज तैयार करने के, तो वो अकेले ही यूज होता है। उसके बाद आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, उससे पहले कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। रितु जी मुझे फ़ोन पर, जी ज़रूर बेटा फ़ोन लगाइएगा, सुमन को बोलिएगा, अब तो मैं आ गया हूँ तो बात हो पाएगी। हाँ क्या है मिदास, मिदास स्टार एन, नीलिमा जी कहते हैं मिदास स्टार एन वसुधा सिंबल कौन से चक्र में देते हैं। मिदास स्टार और वसुधा जो सिंबल होते हैं ये बेटा प्रोस्पैरिटी के लिए, ये मनी रेखी का सिंबल है, इसको चक्रास पे नहीं देते। असल में ये किसी इंसान को हील करने के लिए नहीं होता, ये असल में धन के आने वाले रास्तों को हील करने के लिए होता है। जैसे कि कोई शॉप है, कोई बिजनेस है,
कोई सॉफ्टवेयर है, कोई यूट्यूब चैनल है, जहाँ से भी पैसा आता है। हाँ, जैसा मतलब कोई गाय है, कि जैसे गाय का डेयरी का शॉप है, या कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ से धन आता है, तो उसको हील करने के लिए हम मिदास स्टार और वसुधा सिम्बल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोगों को हील करने के लिए, आप अपने पर्स को, वॉलेट को हील करने के लिए कर सकते हैं, अपनी तिजोरी को हील करने के लिए करते हैं। तो मनी ऋषि का सिंबल है, जो इंसान को नहीं, जिनका है उनको। हाँ, अगर क्लाइंट को के लिए हीलिंग कर रहे हैं, तो उनके दोनों पाम को भी आप ये सिंबल डाल सकते हैं, ताकि उनके हाथों में पैसा आए, उनके हाथों में धन का आगमन होता रहे। नमस्ते सर, आई डोंट फील और यू कैन से वेरी लो वाइब्रेशन वेल अटूनमेंट, सो वॉट आई नीड टू डू, प्लीज गाइड। हाँ देखो बेटा, मैं पहले ही लेवल के आखिर में मैंने बताया है कि समटाइम्स अटेनमेंट के टाइम कैसा फील होता है, और कभी कभी ज़्यादा फील होता है, कभी कभी बहुत कम फील होता है। तो अटेनमेंट में ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी फील हो या बहुत ज़्यादा लो फील हो, कभी कभी बहुत आराम, बहुत बोलना चाहिए सहज भी होता है। सर 7 बज गए नेक्स्ट। हाँ, दूसरी क्लास का टाइम हो गया ना, जी चालू तो कर ही चुके होंगे। यस सर हाँ, चालू। जैसे इनके तो चालू करके बैठे, 2 मिनट में हम इनको यस चर्चा कंप्लीट करते हैं। जी सर। तो ऐसा होता है बेटा, है ना। तो सहज भी हुआ तो भी ऐसा नहीं कि अटेनमेंट के टाइम पे बहुत ज़ोर से वाइब्रेशन ही होना चाहिए, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को वोमिटिंग हो गया है, फीवर आ गया, सर दर्द हो गया, तो ज़्यादा मेरे लिए परेशानी वाली बात हो जाती है कि ऐसा हो गया तो अब क्या करें, तो सब कुछ छोड़ के उन पर ध्यान देना पड़ जाता है ना। तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे सातों चक्र पे, और सातों चक्रों की प्रैक्टिस के बाद भी आपको रोज़ कोशिश करना है कि थोड़ा सा बाहर निकलें, फ्रेश एयर पे, आसमान के नीचे निकलें। सनलाइट मैं बोलता हूँ तो बेटा इसका मतलब ये है कि दिन का समय बाहर निकलना, खुली हवा में बाहर निकलना, ये इम्पोर्टेंट है ना। क्या हो गया, कुछ किए क्या? अरे ये तो, हाँ तो, हाँ भावना जी, ये हाँ यही है, 339-668। तो चलिए, आज का की ये कक्षा आज यहीं समापन करते हैं। बेटा जी, मौसम का ध्यान रखें सभी लोग प्लीज़। 07 आ रहा है, उस दिन अपने लिए जो जो चीज़ें मैंने बताई है ज़रूर कर लीजिएगा। परमात्मा की कृपा सब पर है। बहुत लंबे समय बाद आज मैं भी वापस आया हूँ, और जो शिक्षाएं मैंने वहाँ के आंध्र प्रदेश में बहुत सारे योगियों से, मुनियों से मैंने मुलाकात की है, बहुत सारे सिद्धों से मैंने मुलाकात की है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है वहाँ से। तो वो सारे ज्ञान आप लोगों को धीरे धीरे अपनी कक्षा के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा, और आप सबकी जो विधा है, विद्या है, जो आप सीख रहे हैं, उसमें चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहेगी, तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेगी, चीज़ों को और बेहतर करेंगे, है ना जी। तो चलिए, आज्ञा दीजिए, परमात्मा की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। मानसी बेटा, ये मैंने पूरा किया, दूसरी क्लास में शुरू करते हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे भूख लगी है, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ, इसका बंद कर दिया है ना।